માં વિરો સાહેબ પ્રધાન સાહેબને અમે સબ સમજાઈશ કરવા કે અમે ઓડીએફ કરવાની પૂરા ભીલવાડા કો શૌચ મુક્ત કરવાના હૈ તો હમ સબને હમારી પંચાયત ગ્રામ પંચાયત કે અંદર સબને વાર્ડ પંચ સરપંચ ઓર હમ સબને બેઠ કે એક મીટિંગ કરી ઓર હમને એક નિગરાની કમિટી કે સદસ્ય બનાએ ઓર હમ સબ સાથ મિલકર સુબહ 4:30 બજે ઉઠકર ગાંવ મેં અલગ અલગ ગલી મોહલ્લો મેં જાકર જ્યાં સોચ કે સબ સોચ કરને જાતે વહાં રૂકર સબકો સમજાઈશ કરવે ઘર ઘર જાકર જિનકી શૌચાલય બને હુએ થે ઉન્હોને જો ઉનકો યુઝ મેં નહીં લે રખા થા તો હમને ઉનકો ખુલવાએ લોગ ભી નહીં ચાહતે કે હમ ખુલે મેં જાએ કુછ પરેશાની થી ઉનકી કે ભાઈ હમારે પાસ પૈસા નહીં હૈ કિસી કે પાસ જગહ નહીં હૈ તો હમને કિસી કે આપસ મેં ઉનકે જો ભાઈબંધો સે હમને उनसे आपस में करवा के जैसे दो लेटरिन की एक खड्डा एक खुदवा के उनको आपस में कॉम्प्रोमाइज किया और जिनके पास जगह का उन्होंने ये कर दिया जिसके पास पैसा नहीं है तो राज्य सरकार 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रही है वो हमने उनको फार्म भरवा के वो राशि दी उनको उससे हमने इनको मोटिवेट किया। यहाँ शौचालय नहीं थे तो पूर्व में यहाँ हाईवे रोड नंबर 8 था तो हम जाते थे सुबह जल्दी भी जाते शाम को लेट भी जाते तो यहाँ पर ट्रक वगैरह निकलते तो हमें महिलाओं को साथ में ट्रक के ड्राइवर हैं या ये तरह तरह की अश्लील हरकतें करते थे हमें बहुत परेशानी आती थी बहन बेटी खुले में सोच जाने से घबराती थी अकेली नहीं जा पाती थी। महिलाओं ने काफ़ी हद तक इसके अंदर खुद शामिल हुए और उन्होंने इस मुद्दे को समझा और उन लोगों को आगे उठाया है। पूरा गांव सोच मुक्त हुआ तो उससे तो लोगों की बीमारियां बंद होगी बीमार होना लोग बाग बंद होंगे दवाइयों का पैसा जो लोगों पे खर्च होता है वो पैसा खर्च होगा गांव साफ सुथरा रहेगा लोगों में आपसी भाई अपना गांव साफ सुथरा कोई कचरा वचरा बाहर नहीं हमने जगह जगह डस्टबिन बना रखे हैं सवेरे कचरे वाली गाड़ी आती है नागरिक आज मदद करता हमारी तो लोगों को ये होता है और बीमारी का अंकुश लगेगा खुद को अपने को शर्म आएगी बाहर जाने में। उन्होंने बहुत हमें कहा ये क्या है सुबह सुबह आ जाते हैं उन्होंने हमारी नींद खराब करते हैं ऐसे हमको परेशान किया पर धीरे धीरे लोग समझने लगे और हमारी निगरानी कमेटी के सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर और गांव हमारा हमारे गांव की आबादी लगभग 5,000 है और उनमें जो मेन जो सब गणमान्य लोग हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया और हमें शौच मुक्त कराने में हमें इतनी दिक्कत भी नहीं और लोगों ने समझाइश करी और हमारा दिलवाड़ा आज एकदम स्वच्छ है साफ सुथरा है और आज सब खुद आगे प्रयास करके पंचायत के भरोसे ये नहीं बैठे हैं कि हमें पैसे मिलेंगे तो ही हम शौचालय बनाएंगे और खुद अपने प्रयास से हाथों हाथ शौचालय बनवा रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर पूरे गांव को शौच मुक्त बनाने का प्रयास करें तो आपका गांव भी शौच मुक्त बन सकता है। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप भी अपने गाँव में अनोखे तरीकों के प्रयास कर आपके पूरे गाँव को शौच मुक्त बनाए ताकि आपके गाँव की महिलाओं को बहुत बेटियों को बाहर जाकर शर्मिंदा ना होना पड़े तथा आपके गांव में होने वाली बीमारियों पर अंकुश लग सके। मैं शंभू राज सवर देलोड़ा से इंडिया अनेट के लिए।